किस्से कहानियों को दिल से सुनाती हूँ और जो ना सुना पाऊँ लफ्ज़ों में तो उसे कविताओं में गुनगुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति सविता यादव और आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बाल कथा जिसका नाम है सोनू। सोनू एक 8 साल के बच्चे की कहानी है और सोनू का आज बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल दिन है। अब ये स्पेशल दिन क्यों है, क्या है, ये जानेंगे हम आगे की कहानी में। तो चलिए सुनते हैं सोनू की कहानी मेरी जुबानी। ओपन माइक रेडियो सिटी फ्रीडम पर। मौसम मानसून का था पर 4 दिनों से बादलों के स्तन से पानी की एक बूंद का कतरा भी जमीन पे ना गिरा था। 8 साल का सोनू ना जाने कब से अपनी छोटी छोटी चमकती आंखों से खिड़की के बाहर मैदान को ताके जा रहा था। उसकी नजर उस मैदान पे टिकी हुई थी जिसकी घास अब सूख कर पीली पड़ने लगी थी। शाम के 5:30 बज रहे थे उस वक्त। मैदान खचाखच बच्चों से भरा हुआ था। पूरा आकाश बच्चों के शोरगुल से गूंज रहा था। बीच बीच में सोनू की नजर उस सामने वाली सड़क पर भी जा अटकती जो कि शहर के शोरगुल से बहुत दूर बिल्कुल शांत और अकेली थी, एकदम उसे की तरह। सोनू, कब से यहाँ बैठे है नालायक, चल होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेहमान आ जाएंगे, फिर नया बहाना मिल जाएगा तुझे। प्लीज मम्मी, थोड़ी देर और ना। कहा ना, बिल्कुल नहीं। सोनू ने अपनी मम्मी से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया पर सोनू की मम्मी ने उसकी एक ना सुनी और झट से खिड़की बंद कर दी। लेकिन तभी अचानक बड़ी जोर से पानी बरसने लगा, मूसलधार बारिश। खुले आसमान में काले काले बैंगनी बादल छाने लगे और बड़ी तेजी से पानी बरसने लगा। सोनू मम्मी का हाथ छुड़ाकर तेजी से आंगन में भागा और बारिश में नहाने लगा, नहीं नाचने लगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद से दरवाजे पर किसी के आने की हार सुनाई दी और घड़ी में उस वक्त 7:30 बज रहे थे। सोनू उछलता कूदता और खुशी के मारे दरवाजा खोलने के लिए भागा, पापा, और जोर से चिल्लाया। फिर उसने उन पैरों को अपनी छोटी छोटी बाहों में कसकर बांध लिया। लेकिन तभी उसकी नजर गई उनके दाहिने हाथ में रखी उस थैली पर जिसमें रखे थे आम, ताजा ताजा रसीले आम। उसने झट से थैली खींची और रसोई की तरफ भाग गया और उसने देखा उसकी मम्मी अब गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी। उसने मम्मी की नजर बचाते हुए एक गर्मा गर्म पकौड़ा मुंह में लिया और फिर से आंगन में नहाने चला गया और बारिश में नाचने लगा। आज सोनू बहुत खुश था, नहीं इसलिए नहीं कि उसके पापा उसके पसंदीदा आम लाए थे, बल्कि इसलिए कि आज उसके पापा बिल्कुल टाइम पे घर आए थे और आज उसकी मम्मी ने उसके पापा पे गुस्सा भी नहीं किया था जबकि वो कीचड़ से सने पैर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक ले आए थे। सोनू अपनी धुन में मस्त नाचने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे घर के अंदर से उसकी मम्मी की जोर जोर से रोने की चिल्लाने की आवाज आने लगी। घबरा कर सोनू झट से घर के अंदर भागा और उसने देखा उसके मम्मी पापा आज भी लड़ाई कर रहे थे। डरा हुआ सा सहमा सा सोनू दरवाजे की ओर में खड़ा होकर सब देखने लगा। तुम्हें पता था ना इसका बर्थडे है, पता था ना, फिर ये क्या आम उठा के लेके आए हो? शाम को सारे मेहमान आएंगे तो ये क्या तुम्हारे सड़े गले आम दिखाऊंगी मैं उन्हें? तुम्हें ना तो बस एक 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 मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। तुम चुप रहो, सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, करती क्या हो तुम? तुम नहीं ला सकती थी? यहाँ तुम्हारी सुनो, वहाँ ऑफिस में सुनो, बॉस की झिकझिक, तंग आ गया हूँ मैं इस लाइफ से, इसलिए तो घर जल्दी नहीं आता। और सोनू को आम पसंद है, केक को तो मुंह भी नहीं लगाता वो, पर तुम्हें ना तुम्हें दिखावा पसंद है, बस दिखावा पसंद है तुम्हें। सोनू के मम्मी पापा उसके जन्मदिन के दिन आज भी लौट गए। आज भी सोनू की सिसकियां डर के मारे गले में ही रोते रोते गले में ही रुंध गई थी। आज भी उसकी सांसें दिल की धड़कनें एकदम डर के मारे तेजी से दौड़ रही थी। आज भी वो चुपचाप जाकर उसी कोने में जाकर बैठ गया जहां अक्सर वो
बैठा करता था। रात अब गहराने लगी थी, आसमान पे काले बैंगनी बादल अब रात के अंधेरे में कहीं छुप से गए थे। बारिश भी अब धीमी होने लगी थी। हाँ, कभी कभी बिजली की गड़गड़ने की आवाज आती तो सुनो डर सा जाता। बाहर लगता है तूफान आने वाला था, लेकिन सोनू के दिल का तूफान सोनू चुपचाप अपने दिल में दबाए बैठा हुआ था। तभी पता नहीं उसे पता ही नहीं चला कि कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। लेकिन अचानक दरवाजे के बंद होने की आवाज से उसकी नींद उड़ गई और उसने देखा कि घड़ी में उस वक्त 8:30 बज रहे थे। वो अचानक उठा और दरवाजे की तरफ भागा और भागता भागता सड़क की तरफ पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, पापा। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी घर से भाग के आई और सड़क के पास उसके पास पहुंच गई। सोनू ने अपनी मासूम आंखों से अपनी मम्मी की तरफ देखा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट से उसकी आंखें रोशनी से चकाचौंध हो गई और सब धुंधला पड़ गया। डर के मारे सोनू वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो अपने बेड पर लेटा हुआ है, अपने पलंग पर। डर के मारे अभी भी उसके माथे पर पसीना लपालप बहा रहा था। उसने देखा घड़ी में उस वक्त 10:10 हो रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये असल में हुआ है या एक महज डरावना सपना था उसका। वो अचानक उठा और चप्पल पहन के झट से ड्राइंग रूम की तरफ भागा। उस कोने में उस पीली साड़ी में बैठी उस महिला को उसने दूर से ही पहचान लिया और झट से जाके उसको बोला, मम्मी, सोनू बेटा उठना, सोनू, मम्मी मैं इधर हूँ, मम्मी। लेकिन तभी सोनू की नजर उसकी माँ के गोद में बैठे उस बेटे पे गई जो कि चुपचाप आग बंद कर बड़े आराम से सो रहा था, जिसकी शक्ल हूबहू उसके जैसी थी। शुक्रिया। तो ये कहानी थी सोनू की। उसकी जिंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन क्या था, उसका जन्मदिन या उसकी जिंदगी का आखिरी दिन? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था, सोनू खुद, उसके माँ बाप, या वक्त या हालात? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो फिर मिलते हैं कभी और। शुक्रिया। शपा खैर।